कानपुर के एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वैसे तो रामू एक मामूली इंसान था, परंतु वह एक बहुत ही अच्छा स्वभाव का आदमी था। रामू अपने छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती किया करता था। वह अपने खेतों पर कई वर्षों से काम कर रहा होता है, परंतु उसे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी न किसी कारणवश उसके खेत में कभी भी फसल नहीं लहराई, जिस वजह से रामू दूसरे के खेतों में काम किया करता था और उससे जो भी थोड़े रुपए मिलते उसी से अपना घर चलाया करता था। रामू गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी और प्यारी बेटी डॉली रहती थी। लक्ष्मी घर पर ही रहकर घर के काम देखा करती थी, वहीं इकलौती बेटी डॉली स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने जाया करती थी। हमेशा की तरह रामू खेतों की तरफ जा रहा होता है और आज कई दिनों बाद लक्ष्मी भी उसके साथ जा रही थी। देख रही हो लक्ष्मी, इस बार मेरी फसल बड़ी हो रही है, जरूर इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। यह तो आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, परंतु फसल काटने से पहले ही हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। मैं तो कहती हूँ हमें यह खेत बेचकर कहीं और खेत लेना चाहिए। नहीं लक्ष्मी, यह हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे ऐसे नहीं बेच सकते। तुम जरा सब्र रखो, हमारे अच्छे दिन जल्दी आएंगे। इतना कहकर रामू सेठ के खेतों पर मजदूरी करने चला जाता है। क्यों रामू, आज तू फिर से लेट आया है? मालिक, वह जरा मैं अपने खेतों पर पानी लगा रहा था, इसलिए देरी हो गई। अरे पागल, तेरी वह जमीन बंजर है और उसपे कुछ नहीं उगने वाला। मैं तुझसे कितने सालों से कह रहा हूँ, 5,000 रुपए में अपनी जमीन मुझे बेच दे। आएगी मालिक, मेरे खेतों में भी एक दिन हरी भरी फसल जरूर आएगी। और उसी दिन रामू को अपनी पगार मिलती है। रामू यह पगार लेकर सब्जी वाले की दुकान पर गया। यह लो भाई अपने 500 रुपए जो तुमने मुझे पिछले महीने उधार दिए थे। और इसी तरह रामू दूध वाला, फल वाला और सभी लोगों के पैसे चुका देता है और वहाँ से कुछ फल व सब्जियाँ तथा राशन का सामान खरीद कर घर पर ले आता है। आ गए जी, सारा राशन का सामान यहाँ रख दीजिए, लगता है पगार मिल गई है आपको, लाइए मुझे दीजिए। पगार तो मिल गई है और उससे मैंने 4,000 रुपए खर्च भी कर दिए हैं। अब बचे केवल 4,000 रुपए, जिनसे खेतों के लिए बीज, बिजली, पानी, खाद व दवाइयाँ भी लेनी है और बचे हुए 1,000 रुपए डॉली की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। हाय राम, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं सोच रही थी इस बार कुछ पैसे बचाकर अपने और अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन और एक अपने लिए साड़ी ले लूं। वो मेरी बहन की शादी आ रही है ना, बस इसलिए। कोई बात नहीं लक्ष्मी, मैं जल्द ही तुम्हें एक साड़ी दिलवा दूंगा। पता नहीं वह शुभ दिन कब आएगा। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं और आपने अभी तक कोई साड़ी नहीं दिलाई, और अब क्या दिलाएंगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन हमेशा की तरह रामू अपने खेत पर पानी लगाने जा रहा होता है। खेतों पर जाकर रामू देखता है कि उसके खेतों में तो जादुई लहंगों की खेती हो रखी है। यह देखो, हमारे खेतों में तो जादुई लहंगों की खेती हो गई है। हाँ डॉली के पिताजी, मैं भी यह चमत्कार देखकर हैरान हूँ। जरूर इसके पीछे भगवान का कोई हाथ होगा, जो उन्होंने तुम्हारे बरसों की मेहनत और ईमानदारी का फल दिया है। अब जल्दी से हमें यह सारे लहंगे इकट्ठे कर लेने चाहिए। लक्ष्मी और रामू जल्दी से सभी लहंगे इकट्ठे करके घर आ जाते हैं। डॉली के पिताजी जल्दी आइए और यह सभी लहंगे बेक आइए। अरे हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मेरे आने तक तुम अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बना कर रख लेना। आज हमारी बेटी को स्कूल से आने के बाद अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए। इतना कहकर रामू वह लहंगे लेकर कई कपड़ों की दुकानों पर जाता है और जहाँ से उसे सबसे अच्छा मूल्य मिलता है वह वहीं पर अपने लहंगे बेच देता है।
रामू को लहंगे बेचकर अच्छी खासी रकम मिल जाती है। वह बाजार से अपनी धर्मपत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। यह लो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कहे अनुसार एक सुंदर सी साड़ी ले आया हूँ, और डॉली बिटिया के लिए तो हमारे खेत ही काफी हैं। परंतु अब हमें ध्यान देना होगा कि किसी और की नज़र हमारे खेतों पर ना पड़े, नहीं तो वह हमारे सभी लहंगे चुरा कर ले जाया करेंगे। हाँ डॉली के पिताजी, आप सेठ के खेतों में काम करना भी छोड़ दीजिए और अपने खेतों की रक्षा कीजिए। और इस तरह रामू अपने खेतों पर ही रुककर जादुई लहंगों की सुरक्षा किया करता था और अंत में सभी लहंगे जाकर बाजार में बेच दिया करता था। धीरे धीरे रामू और लक्ष्मी ढेर सारे रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। डॉली के पिताजी, हमारे पास इतने सारे रुपए हैं, हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? हम इन रुपयों को तीन हिस्सों में बांटेंगे, एक तेरा, दूसरा इस घर का तथा तीसरा गरीबों का। मैं सोच रहा था अब हमारे पास पूरे 1.5 लाख रुपए हो गए हैं, तो तेरे लिए 50,000 रुपयों का एक सुंदर सा नेकलेस बनवा दूं, और बाकी के 50,000 रुपयों से हम गरीबों को कपड़े तथा मुफ्त राशन दिया करेंगे, और बचे हुए 50,000 रुपयों से हम अपनी बिटिया के अच्छे भविष्य के लिए पैसे जोड़ कर रखेंगे। जी आप सही कह रहे हैं, भगवान ने हमारे लिए इतना किया है तो हमें भी किसी और के लिए करना चाहिए। इस तरह लक्ष्मी और रामू एक सुनार के पास जाते हैं। सुनार उन्हें अच्छे अच्छे नेकलेस दिखाता है और लक्ष्मी एक नेकलेस पसंद कर लेती है। भाई साहब, कितने का है यह नेकलेस? ज्यादा नहीं, पूरे 50,000 रुपयों का है। कोई नहीं भाई, इसको पैक कर दो। सुनार रामू को 50,000 का इतना महंगा नेकलेस खरीदता देख हैरान रह जाता है, और इन दोनों के जाने के बाद सेठ को फोन करके सब बताता है। अंत में सेठ तथा कुछ गांव वाले मिलकर रामू के घर पहुंच जाते हैं। बाहर निकल रामू, और जल्दी बता, तेरे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे तू इतनी जल्दी अमीर हो गया? यह क्या कह रहे हो आप सेठ जी, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तो वह 50,000 का नेकलेस तूने कैसे लिया? अरे वह तो मेरे खेत के जादुई लहंगों का कमाल है, वह सभी मेरी मेहनत की कमाई है जो मुझे मेरे खेतों से आशीर्वाद के रूप में मिली है। मैं उसमें से किसी को कोई हिस्सा देने वाला नहीं हूँ। सेठ सोनू की बात सुनकर मन ही मन सोचता है कि क्यों ना वह रामू के खेत पर कब्जा कर ले और उसके सभी जादुई लहंगे अपने कब्जे में रख ले। सुन रामू, वह तेरे अकेले की जमीन नहीं है, उस पर हम गांव वालों का भी हक है। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं तुझे और गांव वालों को उनके हिस्से के रुपए दे दूंगा और उस खेत को अब अपने अंडर में रखूंगा। परंतु मालिक, यह तो गलत बात है, वह खेत सिर्फ मेरा है और मेरे पुरखे मेरे लिए छोड़ गए थे। सेठ रामू के विरोध करने पर भी उसको मारने के लिए दो बंदे भेजता है। वह दोनों बेचारे रामू को बहुत पीटते हैं और सभी गांव वाले उसके खेत की ओर जाते हैं। खेत पर पहुंचकर हीरे मोती की तरह जगमगाता जादुई गांव का खेत देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी सेठ आगे बढ़कर एक गाउन को हाथ लगाता है। सेठ के गाउन को छूते ही उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। यह देख गाँव का दूसरा आदमी उन गाउन की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है और खेतों में से एक परी निकलती है। सुनो गाँव वालों, तुम इस सेठ की बातों में मत आओ, यह खेत रामू का है और इसके सभी गाउन पर रामू का ही अधिकार है। अगर कोई और इन गाउन को छुएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा, समझ गए? सभी गाँव वाले परी की बात सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इस तरह उस दिन से रामू अपने खेतों से गाउन तोड़कर बाजार में बेच दिया करता था और धीरे धीरे वह सभी और अमीर होते गए। अब उनकी बेटी डॉली भी पढ़ लिख कर एक पुलिस अधिकारी बन जाती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।